CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय जलपरी आरती साहा। साथियों, आज हम बात करेंगे एक महिला तैराक की जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियाई महिला तैराक बनी। उनका नाम था आरती साहा। तो आइए सुनते हैं आरती साहा की रोमांचकारी कहानी। आरती साहा 1959 में भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी, जिन्होंने भारत का नाम सारे विश्व में ऊंचा किया और देश को प्रतिष्ठा दिलाई। आरती साहा भारत के खेल इतिहास में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक तैराक रही हैं। इसके अलावा वे एक भारतीय महिला खिलाड़ी भी थीं। खेलों में उनकी विशेष रुचि बचपन से ही रही और वे अपने स्कूली जीवन से ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती थीं। आरती साहा का जन्म 24 सितंबर 1940 को कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, में हुआ था, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। उनके पिता का नाम पंचगोपाल साहा था। वे एक साधारण बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती थीं। उनका पूरा नाम आरती साहा गुप्ता था। जब वे मात्र 2.5 साल की थीं, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी दादी के द्वारा हुआ। उनके चाचा से उनका विशेष लगाव था। वो अपने चाचा के साथ चंपताला घाट पर जातीं और वहीं उन्होंने तैरना सीख लिया था। तब वो मात्र 4 वर्ष की थीं। वाह, 4 साल की बच्ची कितनी अच्छी तैराकी कर रही है। काकू, काकू। आरती, इधर आओ। आश्ची काकू। आरती, तुम्हें पानी में तैरना बहुत पसंद है ना? हाँ। वाह, फिर तो तुम्हें किसी स्विमिंग क्लब में भर्ती करवा देते हैं, ठीक है? ठीक है काकू। और वहाँ तुम अच्छे से तैराकी सीख जाओगी। हाँ काकू। तैराकी में उनके विशेष रुझान को देखते हुए उनके चाचा ने उन्हें वहीं के स्थानीय हाथ खोला स्विमिंग क्लब में भर्ती किया। फिर तो जैसे उन्होंने इसी उम्र से इतिहास बनाना शुरू कर दिया। ये सन 1946 की बात है, जब वे मात्र 5 वर्ष की थीं। इसी अल्प उम्र में उन्होंने शैलेंद्र मेमोरियल तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया और फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण जीता। तो देवी और सज्जनों, आज की फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता की विजेता हैं 5 साल की बच्ची आरती साहा। ये उनके स्विमिंग करियर की शुरुआत थी। आरती ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कलकत्ता सिटी कॉलेज से पूरी की। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि जब बढ़ने लगी तो एक जाने माने तैराकी के कोच सचिन नाग ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विधिवत प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। कहना गलत न होगा कि प्रशिक्षण से आरती की प्रतिभा निखरती चली गई। सन 1949 में आरती ने कई राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं को जीता और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बन गई। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब आया
जब 1952 में उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में भी भाग लिया और उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ ओलंपिक तक ही सीमित नहीं था। मेरा लक्ष्य ओलंपिक नहीं, इंग्लिश चैनल है। उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करना, जो किसी भी तैराक का सपना होता है। अब उन्होंने लंबी दूरी की तैराकी का अभ्यास करना शुरू किया। तेरह अप्रैल 1959 एक ऐतिहासिक दिन था, जब वे कलकत्ता के देशबंधु पार्क के एक बड़े से तालाब में लगातार 8 घंटे तक तैरती रहीं। खूब भालो आरती, तू जानी सारती, तू लगातार 8 घंटा जले सांतर काट ली। काकू मात्र 8 घंटा? अरे आरती कोनो व्यापार नहीं, तू लगातार सांतर काटार अभ्यास कर ले, तू आगे आरो भालो सांतर काटते पार भी। ठीक आछे काकू। कुछ समय बाद अपने अभ्यास को सतत बनाए रखने के लिए उन्होंने तैरने के घंटे बढ़ाए और उसी तालाब में 16 घंटे तक लगातार तैरती रही। उनकी तैराकी देखने के लिए तालाब के चारों ओर एक विशाल जनसमूह जमा था। उस लड़की को तो देखो, कितने घंटों से पानी में तैर रही है। चल आरती चल, बस आर की चुपल, तू करते पर भी आरती, तू करते पर भी। कीप इट अप आरती, कीप इट अप। आरती, 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 आरती। हाँ हाँ आरती, थोड़ी देर और। अरे वही देख ना मेटा के कतो सुंदर सांतर काटछे। कीप इट अप। कहते हैं जब वो तैर कर बाहर निकली तो उनमें थकान के लक्षण लगभग नहीं के बराबर थे। खूब भालो। वाओ, वाह, कमाल कर दी। ग्रेट। वाह आरती, खूब भालो, कमाल कर ली तू यार। ऐसे ही लगन और मेहनत से तैराकी करते रही तो तुम इंग्लिश चैनल जरूर पार करोगी। मैं अपना लक्ष्य पाकर ही रहूंगी। वाह, ऐसी अद्भुत प्रतिभा की सराहना मुक्त कंठ से की जानी चाहिए। तो आखिरकार वो समय आ गया था जब अपने स्वर्णिम लक्ष्य की ओर उन्हें प्रस्थान करना था। 24 जुलाई 1959 को वो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने के लिए ब्रिटेन पहुंची। उनके साथ उनके मैनेजर डॉक्टर अरुण गुप्ता भी थे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के कुल 58 प्रतियोगी थे। 29 सितंबर 1959 को इंग्लैंड के स्थानीय समय के अनुसार ठीक 1 बजे फ्रांस के तट से प्रतियोगिता शुरू हुई। यद्यपि उनकी रक्षक नौका 40 मिनट देर से पहुंची, लेकिन विलंब से ही सही उन्होंने तैरना शुरू किया। समुद्र की विपरीत दिशा से आने वाली बहुत शक्तिशाली विभिन्न जलधाराओं का सामना करते हुए वे दृढ़ निश्चय के साथ तैरती रहीं। वे 16 घंटे 20 मिनट तक लगातार तैरती रहीं और कुल 42 मील का सफर तय किया। जब वे तैरकर इंग्लैंड के तट पर पहुंची तो वहां बधाई देने के लिए अपार जनसमूह जमा था। इंग्लैंड के तट पर पहुंचने पर उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। विजया लक्ष्मी पंडित उन्हें बधाई देने वाली प्रथम महिला थी। अरे ये तो वही है ना। अरे ये तो भारतीय राजदूत है। ये तो विजया लक्ष्मी पंडित है, ये खुद आरती साहब को बधाई देने आई हैं। कमाल है। अरे वाह।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई प्रतिष्ठित लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बधाई दी और 30 सितंबर को आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने आरती साहा की उपलब्धि की राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है खेल जगत के समाचार। भारत की महिला तैराक जलपरी आरती साहा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, देश भर में उत्साह की लहर। आरती साहा को 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1998 में भारतीय डाक विभाग द्वारा आरती साहा पर भी एक टिकट जारी किया गया। तेईस अगस्त 1994 को उन्होंने संसार से विदा ली। इस तरह भारत में स्त्री शक्ति और स्त्री सम्मान का वो प्रतीक बन गई जिन्होंने बालिकाओं के लिए खेलों में अधिकाधिक भाग लेने के द्वार खोल दिए। भारतीय जलपरी आरती साहा, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन स्वर शालिनी और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी निर्देशन बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।